अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, फिर से अपना नाम और इलाका बताइएगा। ये राना इकबाल सराज, जरी फार्म एंड कैटल गोट फार्मिंग, हेड सलाम लुडन। सर, भैंसों का कारोबार कितने अरसे से कर रहे हैं? ये हम तकरीबन 6 साल से कर रहे हैं। वैसे तो हमारा जद्दी पुश्ती काम है, खानदानी हम लोग काम करते हैं, बड़े करते हैं। प्रॉपर 6 साल से कर रहे हैं? प्रॉपर हम 6 साल से कर रहे हैं बड़ी फार्मिंग के। अच्छा सर, बताइएगा कि आपने इनसे क्या पाया और क्या खोया? पाया खोया तो नहीं है। खोया तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, पाया ही है। अच्छा सर, कितनी बफलोज हैं आपके पास? हमारे पास यहाँ पे तकरीबन है 180 है इस टाइम। सर, कौन सी नस्ल की हैं ये? नीली रावी मिक्स है। अच्छा सर, नीली रावी आपका इलाका है? हमारा नीली इलाका है। नीली इलाका है। अच्छा, नीली रावी अलग-अलग से नस्लें हैं? अलग अलग से हैं। अच्छा सर, नीली और रावी में फ़र्क बता सकते हैं? नहीं, उसमें नीली जो काफ़ी, जिसका जिसम पतला होता है, उसका जो चमड़ा पतला होता है, और जिसमें सामत उसकी काफ़ी बड़ी है, हैवी, उसके थाने वगैरह खुली जिसामत की होती है। ठीक है। अच्छा सर, दोनों नस्लों में से कौन सी बेस्ट है? दोनों अच्छी हैं, मगर नीली बहुत अच्छी है। नीली बहुत अच्छी है। थोड़ा सा बताइएगा किस हवाले से? ये दूध भी एक लंबा पीरियड देती है, इसका एक ये भी है, और वैसे खूबसूरती बहुत है जानवर इसी है। यानी कि खूबसूरती के हवाले से और दूध के हवाले से? दूध भी इसमें काफ़ी वो है। अच्छा सर, बताइएगा कितनी आपके पास कितनी बफलोज अभी? 180 है। अच्छा, 180 को मैनेज करने के लिए कितने बंदे आपने रखे हुए हैं? ये हमारे पास काउज भी हैं जी, फैलो भी हैं, तो इन सब के लिए हमारे पास 6 आदमी हैं। अच्छा सर, माशाल्लाह से जानवर ज़्यादा है, और 6 आदमी इनको कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये सिर्फ हमारा असल दूध का जो काम है वो मुल्तान में है। मुल्तान में भी हमारे पास तकरीबन 760 फैलो हैं, और जो यहाँ पे सारा ड्राई माल है। ये दूध नहीं देती? ये सिर्फ तैयार होती हैं, जैसे प्रेगनेंट हुई, सुई, बच्चा हुआ, फिर मुल्तान चल जाती है। अच्छा सर, ये तो अब आपका तजुर्बा होगा कि जब ये गबन हो जाती हैं तो फिर सोने तक इनकी खुराक क्या देनी चाहिए इनको? वो आप वंडा वगैरह दें, चारा दें इनको, आखिरी जो 2-3 माह बचते हैं उसमें वंडा डबल डालें इनको, जिससे अच्छा ये खुला चड्डा वगैरह बड़ा बनाएं। अच्छा सर, ये ख़रीदारी किधर से करते हैं? ये हमने अभी नहीं, हमने 5-4 साल पहले ख़रीदारी की थी। और आगे इसको बढ़ाते हैं, खुद ही बढ़ा रहे हैं? ब्रीड चल रही है हमारी। अच्छा, ये ब्रीड हासिल करने के लिए क्या करते हैं? ये सांड वगैरह रखा है या सिमन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं? सांड रखा है हमने। अच्छा सर, बेस्ट आप सांड ही समझते हैं, इसलिए रखा हुआ? बस सांड ही है, उसमें सिमन में बड़ा मुश्किल है इनको चेक करना, देखना। अच्छा सर, आपके पास प्योर रावी है या नीली है? नीली भी है, रावी भी है। अभी तो क्रॉस हो गई है हमारी ना पाकिस्तान में, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लोगों पर, दोस्तों पर, जो नीली भी उनके फेवर है, मगर बहुत क्रॉस हो गई है। सर, क्रॉस बेहतर समझते हैं या प्योर हो तो वो बेस्ट है? नहीं, प्योर भी बहुत अच्छी है, क्रॉस भी बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा दूध दे रही है। यानी कि दूध के हवाले से ये नस्लें अच्छी हैं? हाँ हाँ। अच्छा, नीली की ये दूध की कैपेसिटी है वो तकरीबन कितनी है, जो अच्छी भैंस आपके पास है? नहीं, नीली देखें 20 भी देती है, 25 भी देती है लीटर। अच्छा, कहाँ तक एक भैंस दूध दे तो आप वो समझते हैं कि हमारे पास होनी चाहिए? नहीं, नॉर्मल जो है ना फार्म पे, जो अच्छे फार्मर को 15-16 लीटर वाली भैंस होनी चाहिए ज़्यादा जी। वैसे तो भैंस 25 लीटर वाली भी है, 30 लीटर वाली भी है। अच्छा सर, 20 लीटर दूध देने वाली भैंस कितने की ख़रीद लेनी चाहिए? 20 लीटर वाली भैंस कम से कम 4-5 लाख 5 लाख रुपए की मिलेगी इस टाइम, वो भी आपको मिल जाए, आपके नसीब अच्छे हो। अच्छा सर, इनकी फिर एज के हवाले से बताइएगा कि कितने दांत हो तो लेनी चाहिए या कौन से सुए में हो तो लेनी चाहिए? नहीं, जो सुई भैंस या कट्टी? नहीं, ये जो भैंस है, जो भैंस है जी जी, वो तो आप पहले भी ले लें, दूसरा वाला ले लें, वो तो पसंद की बात है ना, जो आपको पसंद है। सर, एक भैंस जो है वो कितनी देर तक बच्चे दे सकती है या कितनी देर तक रखने के काबिल है? अगर मालिक जिंदा हो ना तो भैंस नहीं बुरी होती। यानी कि डिपेंड करता है कि मालिक क्या इसकी खुराक पे, मालिक अच्छी खुराक, अच्छी देखभाल करे तो ये नहीं बुरी होती। अच्छा सर, यहाँ पे हमने देखा है कि मज़े की बात है कि आपके साथ ही ये दरिया लगता है, तो दरिया में ये डेली इनको नहलाने के लिए देती हैं? हमें दरिया का एज है, असल भैंस दरिया पानी की है, ये जानवर है, और ये वहाँ जाके बहुत खुश होती हैं, 2 टाइम जाती हैं, 2-3 घंटे वहाँ बैठ के आती हैं, तो उससे इनकी काफ़ी सेहत अच्छी बनती है। यानी कि ये जो माशाल्लाह इनकी सेहत देख रहे हैं, इसमें पानी का काफ़ी किरदार है? बहुत ज़्यादा किरदार है, बहुत ज़्यादा।
ठीक है। अच्छा सर, गर्मी में हमने सुना जी पानी जो है वो जितना दूध इनसे चाहिए उतना पानी पिलाना पड़ता है इनको, ये बात हकीकत है? ये तो हकीकत है। ठीक है। अच्छा सर, इनकी जो होती हैं कटियाँ या कट्टे वगैरह, उनका क्या करते हैं आप? ये जो कट्टियाँ हैं वो तो हम ब्रीड बनाते हैं, तैयार करते हैं अपना, उस पर चलाते हैं हम लोग। जो कट्टे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे खरीद करते हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, इनके जो यानी कि पहलन झोटी होती है उसके बारे में बताइएगा कि उनके जो हवाना वगैरह बनाने के लिए कुछ चीज़ें देते हैं आप? हाँ, जब पहलन को हम 5-6 महीने के बाद मंडा शुरू कर देते हैं, और उसके बाद उसको जब अगर मौसम सर्दियाँ का हो तो घी भी देते हैं देसी। अच्छा। और वंडा उसे डबल करते हैं, उससे हवाना वगैरह बड़ा बनता है। ठीक है। अच्छा सर, इनकी वैक्सीनेशन का को आपने रखा हुआ है प्रॉपर? वो हमने प्रॉपर रखा हुआ है। इनकी जो सफाई सुथराई है उससे भैंस की सेहत पे कोई असर पड़ता है? शेड की? जी शेड की। हाँ हाँ, आप अच्छी जगह बैठेंगे तो लाजमी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, भैंसें दो तरह की होती हैं, एक मोटी चमड़ी वाली और एक बारीक चमड़ी वाली। आप किसको बेहतर समझते हैं? बारीक वाले अच्छे। दूध के हिसाब से? दूध के हिसाब से। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट पे बताइएगा कि जो लोग बड़े पैमाने पे ये फार्मिंग करना चाहते हैं, आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि वो कितने से स्टार्ट करें? नहीं, बड़े पे तो 100 से कम वो करें ना, 100 कटियाँ ले लें, उनसे बनाएं इस सिस्टम को। यानी कि आप कटियों पे करेंगे, कटियाँ लें तो फिर? हाँ देखिए, भैंस तो बहुत महंगी है, कौन ले 4-5 लाख की भैंस, 3 लाख की भैंस ले के, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसमें कटियाँ ही ले के बंदा काम करे वो ज़्यादा बेस्ट है। काम शुरू किया है। अच्छा, आपके पास कितनी ज़मीन है इतने जानवरों के चारे के लिए? तो हमारे पास 200 एकड़ है यहाँ पे। नहीं, जो चारे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? चारे में हम तकरीबन यहाँ पे इनके लिए कर रहे हैं कोई 15 से 20 एकड़। अच्छा, मौसमी चारा ही दे रहे हैं कि साइलेज वगैरह को? साइलेज दे रहे हैं हम लोग। साइलेज भी अपना बनाते हैं? अपना बनाते हैं। सर, हमने एक फार्मर से सुना था कि जी गर्मियों में साइलेज देना मुनासिब नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं? नहीं, मसला नहीं है। सर, उसके साथ कुछ और भी आप देते हैं ताकि वो गर्म ना लगे? चारा देते हैं हम लोग बस। चारा? चारा और मिनरल वगैरह, डीसी पाउडर ये डालते हैं। इसके अलावा सरसों की खल डालते हैं हम लोग ना गर्मियों में। सरसों की खल? कुछ देसी मसाला जात बना के उनको नहीं दिए जाते? नहीं नहीं, वो देते हैं हाजमे के लिए, जानवर है ना उनको देते हैं, इनको रूटीन में ही हम दे देते हैं। हमने अपना मसाला बनाया होता है वो डाल देते हैं इनको, कोरतुमे वगैरह, नमक वगैरह। अच्छा, हम ड्रम में डालते हैं जी, जब वो फेंक दिए इनके आगे वो खा लेती हैं जी। ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज़।